कैसे हो आप सब? आई होप तो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्जी में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ ये हटा देती हूँ मैं, ये हरा धनिया हटा देती हूँ। ये देखिए हरी पत्ती के प्याज है, तो ये हरी पत्ती के प्याज बनाऊंगी। और ये है बालोर, बालोर फली बोलते हैं, और आपके इधर क्या बोलते हैं बताना मुझे। तो हमारे इधर तो बालोर ही बोलते हैं, तो ये बालोर बनाऊंगी। और ये है ना, अभी सर्दियों में हमारे यहाँ मतलब पहली सब्जी बनेगी बालोर की, तो अच्छी थी ताज़ी बालोर, तो इसके पापा रख के गए, मैंने उनसे बोला कि आप बालोर रख दीजिए, तो वो देखिए बालोर रख के गए हैं। और ये देखिए फूल वाली है, अभी तो ताज़ी है फली, तो बिल्कुल ताज़ी फली है। तो चलिए बालोर को पहले मैं साफ कर लूँगी। और आज है ना बालोर की सब्जी मैं हरी पत्ती के प्याज के साथ बनाऊँगी, तो आज मैं वो वाली प्याज सूखी प्याज नहीं डालूंगी, ये हरी पत्ती वाली प्याज ही डालूंगी बालोर की सब्जी में, क्योंकि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अगर मटर के दाने में बनाऊँ ना तो मटर के दाने में भी अच्छी लगती है, तो मैं फिर कभी मटर के दाने के साथ बनाऊंगी, आज हरी पत्ती प्याज के साथ बना रही हूँ। ये बालोर को धो लेते हैं। ये बालोर काट रही हूँ मैं, और ये बालोर है ना मैं छील रही हूँ, तो ये इस तरह से छील रही हूँ इसको, ताकि खराब होगी तो ये दिख जाएगी, क्योंकि ये फिर ऐसे ही काट लेंगे ना तो फिर खराब दिखेगी नहीं। तो ये देखिए ऐसे खोल रही हूँ इसको, तो दिख जाएगी। और अभी सुबह के नाश्ते में भावना बना रही है चावल की खिचड़ी, तो ये देखिए चावल की खिचड़ी बना रही है भावना नाश्ते में। तो ये देखिए भावना ने खिचड़ी बना दी है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। और मैं सब्जी साफ कर रही थी, तो भावना ने बोला कि लाओ मम्मी मैं नाश्ता बना देती हूँ, तो बस उसने खिचड़ी का नाश्ता बनाया, तो अभी नाश्ता करेंगे हम। तो चलिए कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो अभी मैं गैस को नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है, तो मैं खड़े खड़े खाना नहीं बना पाती हूँ इतनी देर, तो बैठ के मैं आराम से बना लेती हूँ। तो बस मैंने गैस चालू कर दिया है और कढ़ाई रख दी है गैस पे, ताकि मेरी कढ़ाई गर्म हो जाए। और ये सब सामान मैं नीचे रख रही हूँ, तो मैं बैठ के आराम से खाना बना लूँगी। तो ये कढ़ाई रख दी है, तो कढ़ाई में रख रही हूँ मैं अब तेल, और तेल रख दूंगी मैं कढ़ाई में, और तेल रखने के बाद डाल दूंगी मैं जीरा। तो ये मसालदानी भी मैंने ले ली है नीचे। और क्या होता है ना कि हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, और मेरी है ना पता नहीं 6 महीने हो गए मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया मेरा, उसके बाद डाल रही हूँ मैं जीरा, तो जीरा मेरा अच्छे से छटक जाएगा। उसके बाद डाल दूँगी मैं लहसुन, तो ये देखिए यहाँ पे लहसुन डाल दी मेरी, लहसुन सुनहरी हो गई। उसके बाद ये हरी पत्ती की प्याज डाल दिए मेरे, और हरी पत्ती के प्याज को भी मैं थोड़ी देर के लिए सेक लूँगी ऐसे ही चला के। मसाले मैंने ले लिए हैं, और ये मसाले डाल दूंगी मैं अब। तो मसाले डालने के बाद में फिर मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, और मसाला मेरा पक जाएगा, उसके बाद फिर बालोर डाल दूंगी और फिर ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरी सब्जी बनेगी जब तक, और सब्जी पक जाएगी मेरी, ढक दूंगी तो अच्छे से।
अभी हमारी बनेगी जब तक मैं लगा लूँगी आटा। तो ये मैं आटा लगा रही हूँ, तो एक तरफ सब्जी बन जाएगी जब तक मैं एक तरफ रोटी बना लूँगी। तो बस मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, हम लोगों का है ना, हम हाउसवाइफ का यही काम रहता है कि बस सुबह शाम खाना बनाओ और काम से फ्री हो और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, बस इसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो ये देखिए मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और उधर मेरी सब्जी भी बन रही है, तो रोटी सब्जी दोनों मेरी साथ में बन जाएगी फटाफट से। और है ना, मुझे तो फ्रेंड्स है ना, सुबह से उठती हूँ, जब से टाइम नहीं मिलता है, बस 1 और 2 के बीच में ही मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता है। जब तक मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह से ही बच्चों को छोड़ने लाने में पूरा दिन निकल जाता है मेरा। हाँ, संडे को मैं थोड़ी फ्री रहती हूँ, तो संडे को बच्चे घर पे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है और थोड़ी फ्री भी रहती हूँ। तो ये सब्जी हमारी बन गई है, उसके बाद डाल दिया है मैंने हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद अब कर दूँगी मैं गैस को बंद। हमारी बालोर की सब्जी तैयार हो गई है। तो ये बालोर की सब्जी, सेम रख दी है, थोड़े से प्याज के सैलेट कट कर दिए है, और ये रोटी, और रोटी पर घी लगा दिया है। तो आ जाइए, खा लीजिए खाना, आपके लिए थाली लगा दी है। तो फ्रेंड्स, खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद में जो रोज के काम होते हैं बस वही काम निपटाने रहते हैं मेरे को। तो बस बर्तन मांजे हैं और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं कपड़े धोने लग गई थी। तो अभी मैं कपड़े धो के कपड़े डाल के आई हूँ छत पर, और कपड़े डालने के बाद मैं कर रही हूँ आपसे बात। और है ना, जीरा और खड़ा धनिया रखे थे मेरे, तो बस उनको अभी मैं धूप में रख के आई हूँ कि उनको थोड़ी धूप लग जाएगी, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते। तो बस वो खड़ा धनिया, सूखा खड़ा धनिया रहता है वो था, तो उसको और जीरे को अभी मैं धूप में रख के आई हूँ। और अब चोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह नहाई थी ना, तो आज सिर धोया था मैंने, तो बाल गीले थे ना, तो जब मैंने बाल नहीं बांधे थे और फिर मैं खाना बना रही थी ना, तो खाने में बाल आते, इसलिए मैंने बस ऐसे ही बांध लिया था बाल। तो अभी मैं ठीक से बाल बांधूंगी, अपने चोटी करूंगी। तो चलिए, और अभी ना टाइम हो रहा है, 2 बज गए होंगे ना भावना, 2 बज गए, अभी 2 बज गए हैं। तो बस हो गई हूँ मैं सब काम से फ्री, और अब बैठूंगी थोड़ी देर, बैठूंगी या फिर लेटूंगी कुछ भी वो तो क्या है ना कि हमें मतलब 1 और 2 के बीच में ही थोड़ा आराम मिलता है, फिर 2 बजे के बाद तो फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो बस थोड़ी सी देर देखती हूँ, लेटूंगी तो लेट जाऊंगी, नहीं तो फिर हर्षिता का आने का टाइम हो जाएगा, तो देखेंगे, उसके पापा जाएंगे लेने तो वो चले जाएंगे, नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी लेने के लिए। तो चलिए, तो ये धूप लग गई है हमारे धनिये में, तो अब मैं नीचे ले लेती हूँ धनिये को। और नीचे ले जाने के बाद फिर मैं धनिया साफ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा धनिया मुझे पीसना भी था। और ऐसे थोड़े थोड़े दिन में धूप लगाते रहते हैं ना, तो हमारे चीज़ें ख़राब नहीं होती है, तो बस मैं लगा लेती हूँ इस तरह से धूप। और अब मैं साफ़ कर लूँगी और थोड़ा सा पीसूँगी, ज़्यादा नहीं पीसूँगी। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और शाम की झाड़ू लगानी है मुझे। तो बस भावना ने बोला कि मम्मी रहने दो, मैं लगा दूँगी शाम की झाड़ू। तो भावना लगाएगी झाड़ू, तो पहले तो वो बर्तन जमा देगी, जो हम लोगों ने सुबह खाना खाया था ना, वो बर्तन पड़े थे, तो वो भावना बर्तन जमा देगी पहले, उसके बाद फिर झाड़ू निकालेगी। और मैं ये सब्जी रखी है ना, तो बस ये सब्जी ले के जा रही हूँ सब्जी साफ करने के लिए आगे वाले कमरे में। तो इधर ये झाड़ू निकालेगी, तो जब तक मैं आगे वाले कमरे में बैठ के सब्जी साफ कर लूँगी। तो सब्जी में देखिए क्या रख के गए, पालक रख के गए आज, पालक टमाटर। तो पालक बनाना है आज मुझे सब्जी में, ये देखिए पालक रख दिया है, तो बस पालक बनाऊँगी मैं अभी सब्जी में। तो पालक मैंने धो लिया है, और धोने के बाद अब मैं पालक काट रही हूँ। Thank you.
ये देखिए यहाँ लगा रही है भावना शाम की झाड़ू, तो ये शाम की झाड़ू लग रही है। तो मूंग की दाल और पालक बनाने के लिए ये मैंने पालक को साफ कर लिया है और धो भी लिया है इसको, ये देखिए। और यहाँ मूंग की दाल ली है मैंने, तो ये मूंग की दाल को भी धो ली है मैंने, ये देखिए मूंग की दाल भी धो के रख ली है मैंने। तो चलिए ये मैंने कुकर ले लिया है, तो कुकर में मैं मूंग की दाल डाल दूंगी और मूंग की दाल और पालक सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने दाल डाल दी है, अब डाल रही हूँ मैं पालक। और ये सब्जी है ना फटाफट से बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और अब डाल दूंगी मैं पानी। तो ये देखिए मैंने दाल और पालक दोनों डाल दिया और पानी डाल दिया, और उसके बाद डाल रही हूँ मैं नमक। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक में भी थोड़ा खार रहता है इसलिए। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर और अब कुकर को बंद कर देंगे। तो ये बंद कर देंगे कुकर को, और अब गैस पे रख देंगे। तो ये कुकर की 4-5 सीटी आने देंगे, 4-5 सीटी आएगी जब तक हम पकाएंगे। इतने में दाल का बघार करने के लिए, दाल का तड़का लगाने के लिए टमाटर और ये तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारी पालक और दाल हुआ कि नहीं। तो ये देखिए हो गया है और दाल भी अच्छे से घुल गई हमारी। तो मैंने इधर गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में रख रही हूँ मैं तेल। तेल हमने रख दिया है, तेल हमारा गरम हो गया है। तो तेल गरम होने के बाद में यहाँ डाल दूंगी मैं लहसुन, ये देखिए लहसुन डाल दी हमने। और ये अभी फिर से मैंने हरी पत्ती के प्याज काट लिए, हस्बैंड जी बोल के गए थे कि हरी पत्ती के प्याज ही डालना, तो अभी फिर से हरी पत्ती के प्याज काट लिए। तो बस ये डाल रही हूँ। तो प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, उसके बाद डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर डाल दिए हमने ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से पक जाए। और अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर। और हल्दी पाउडर पहले भी डाला था तो अभी थोड़ा कम डाल रही हूँ, तो ये हल्दी पाउडर डाल रही थोड़ा सा। एक चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला। तो मसाले को अच्छे से मिला लूंगी मैं। और उसके बाद में ये जो हमारा पानी है ना, यही वाला पानी डाल रही हूँ मैं, दाल वाला ही। मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा पक गया अच्छे से। तो अब डाल देंगे हम ये दाल और पालक। ये दाल और पालक डाल दिया है मैंने, अब अच्छे से पका लेंगे इसको। चलिए देख लेते हैं हमारी सब्जी। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है, सब्जी बन गई है पालक और मूंग की दाल
और है ना सच में फ्रेंड्स खाने में बहुत अच्छी लगती है ये पालक और मूंग की दाल। और ये पालक और मूंग की दाल की हमने अभी सब्जी बनाई, इसी तरीके से हम अगर थूली भी बनाए ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब डाल दूंगी मैं हरा धनिया, और ये डाल दिया है मैंने ढेर सारा हरा धनिया। तो चलिए बन गई है हमारी सब्जी, और हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने। और मैंने थोड़ी है ना मतलब दाल और पालक मैंने ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ी रसेदार ही बनाई है मैंने सब्जी, क्योंकि ज्यादा गाढ़ी बनाती ना मैं तो फिर इसके पापा को नहीं जमती है, इसलिए थोड़ी मैंने रसेदार ही बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना। और चलिए बाय बाय।